डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू पॉलिटिकल साइंस लेक्चर सीरीज। और हम डिस्कस कर रहे हैं इंटरनेशनल रिलेशंस। इंटरनेशनल रिलेशन में आज हम डिस्कस करेंगे इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप। इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप को अगर जनरली आप लोगों से पूछें तो जब वो उनका ये मानना होगा कि यहाँ पर सारा कॉन्फ्लिक्ट है। जनरली लोग समझते हैं कि यहाँ तो बस लड़ाई लड़ाई है, कोई कोऑपरेशन नहीं है। बट बीइंग अ कॉलेज स्टूडेंट या बीइंग अ एस्पिरेंट फॉर मल्टीपल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, हमें अपने जो डायमेंशंस हैं, जो पर्सपेक्टिव है, उसको मल्टीपल पर्सपेक्टिव, मल्टीपल डायमेंशंस के साथ हमें इंडिया पाकिस्तान रिलेशन को समझना होगा। ना कि एक कॉमन पर्सन की तरह कि बस हाँ कश्मीर का इशू है और या टेररिज्म का इशू है, इसके अलावा कुछ इसके अलावा उन्हें जो उसकी अदर जो डायमेंशंस है वो उतनी क्लैरिटी नहीं होती है। तो हमें क्या करना है, ह्यूमैनिटीज़ का स्टूडेंट होकर, एक कॉलेज स्टूडेंट होकर हमें क्या करना है, हमें इसकी डीप अंडरस्टैंडिंग रखनी है, राइट? तो आज के वीडियो में हम ये जो अपनी अंडरस्टैंडिंग है इसको डेवलप करने की कोशिश करेंगे, जहाँ तक इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप जो हमारा टॉपिक है। तो आप जैसे कि देख पा रहे हो यहाँ पर जो कॉन्फ्लिक्ट एरियाज हैं सिर्फ कश्मीर या टेररिज्म तक लिमिटेड नहीं है, दे आर मल्टीपल एरियाज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। और जैसे कि बॉर्डर डिस्प्यूट, सर क्रीक डिस्प्यूट हो गया, ट्रेड कॉमर्स से रिलेटेड जो है, या शेयरिंग ऑफ वाटर हो गया आपका, इसके बाद से सीपेक हो गया जो सर ट्यू चाइना की प्रेजेंस है, उस चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर हो गया, इसके बाद से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म तो है ही, फिर सिक्योरिटी इश्यूज़ में जैसे कि मिलिटेंसी इन कश्मीर, आज़ाद कश्मीर, खालिस्तान, बलूचिस्तान का इशू जो आता रहता है। सो इन सारे इश्यूज़ में आप देखेंगे कि इंडिया का अपना स्टैंड है, पाकिस्तान का अपना स्टैंड है, और इनके बीच पर जो इनका ओपिनियन है वो मैच ना करना, अपने अपने स्टैंड में अड़े रहना, एक तरीके से कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है। और इन सब के अपने नेशनल इंटरेस्ट हैं, इंडिया के अपने नेशनल इंटरेस्ट हैं, पाकिस्तान के अपने नेशनल इंटरेस्ट हैं, वहाँ पाकिस्तान के जो जो गवर्नमेंट है वो अपने डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को ध्यान पर रखकर डिसीजन लेते हैं। तो इस तरीके से ये कॉन्फ्लिक्ट होता है। और साथ ही सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, हमें इस चीज़ को भी ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको कुछ मुद्दों पर, कुछ एरियाज में आपको कोऑपरेशन देखने को भी मिलेगा, जैसे कि ताशकंद एग्रीमेंट हुआ, शिमला एग्रीमेंट, आगरा समिट, लाहौर समिट, गुजरात डॉक्ट्राइन, इंडिया की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, फिर कल्चरल लिंक्स हैं दोनों कंट्रीज़ में, शेयरिंग ऑफ कल्चर, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, सिनेमा का और म्यूज़िक इंडस्ट्री का जो इंटरलिंकेज होना, फिर करतारपुर कॉरिडोर का जो अभी रीसेंट डेवलपमेंट है आपका, ये एक एरिया ऑफ कोऑपरेशन बनता है। फिर स्पोर्ट डिप्लोमेसी, जहाँ पर आप देखेंगे क्रिकेट डिप्लोमेसी बहुत ही कॉमन वर्ड है, आप सबको पता होगा इस चीज़ को लेकर। तो ये सारे एरियाज हैं जहाँ आपको कोऑपरेशन भी देखने को मिलेगा, राइट? तो इंडिया पाकिस्तान रिलेशन जब भी हम पढ़ते हैं तो एक चीज़ पॉइंट ध्यान रखिएगा, जो वाजपेयी जी हैं उनका आप कोटेशन, आप कोट कर सकते हैं अपने आंसर में, कि वी कैन चेंज हिस्ट्री बट नॉट जियोग्राफी, वी कैन चूज अवर फ्रेंड्स बट नॉट नेबर्स, इसको अपने आंसर्स पे ज़रूर कोट करना, राइट? तो ये कुछ मोटा मोटा हमारे जो लेक्चर है आज का, ये इसका एक फ्रेमवर्क है। अब इन सारे पॉइंट्स को हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि कश्मीर इशू है क्या, शेयरिंग ऑफ जो वाटर है ये क्या इशू है, जो सर क्रीक डिस्प्यूट है ये क्या इशू है, इनमें दोनों इंडिया एंड पाकिस्तान का स्टैंड क्या है। कुछ हम एक टाइमलाइन भी डिस्कस करेंगे जो वॉर 1947 से वॉर को लेकर बाकी फर्दर जो इवेंट हुए हैं इसकी टाइमलाइन को भी समझने की कोशिश करेंगे। तो कॉम्प्रिहेंसिव समझने के लिए वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहना गाइस। आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम में, इंस्टाग्राम में, ये मैंने यहाँ पर लिंक प्रोवाइड की हुई है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहाँ पर भी आप ले सकते हैं। तो इंडिया पाकिस्तान रिलेशन, तो इसमें सबसे पहले आता है इसका इंट्रोडक्शन। तो आप बेसिक से इंट्रोडक्शन क्या लिख सकते हैं, तो जैसे कि आपको पता है कि ओरिजिन ऑफ पाकिस्तान कहाँ से आता है, टू नेशन थ्योरी के कॉन्सेप्ट से, जो मोहम्मद अली जिन्ना जी की जो थ्योरी थी टू नेशन थ्योरी, वहाँ से पाकिस्तान ओरिजिनेट होता है।
तो जैसे कि आपको पता है कि इंडिया पाकिस्तान पहले क्या थे, एक ही थे, और यहाँ से आपको देखने को मिलेगा कि टू नेशन थ्योरी के बाद से इंडिया पाकिस्तान का जो पार्टीशन हुआ है यहाँ पर, और इसके बाद से पाकिस्तान एक अलग नेशन बना। तो ये टू नेशन थ्योरी है। आप टू नेशन थ्योरी को डिटेल में समझ सकते हो यहाँ से कि टू नेशन थ्योरी क्या है। बेसिकली टू नेशन थ्योरी के तहत क्या है कि जो हिंदू एंड मुस्लिम है, ये टू डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं। इनके अपने ट्रेडिशन हैं, अपने कल्चर हैं, अपनी फूड हैबिट्स हैं, अपने बिलीफ हैं, और इसलिए ये एक साथ नहीं रह सकते हैं, एक कंट्री में नहीं रह सकते, दो कंट्रीज़ क्या है, बनाना ही पड़ेगा। तो ये होगी टू नेशन थ्योरी। तो पाकिस्तान इज़ द प्रोडक्ट ऑफ टू नेशन थ्योरी। इसके बाद देखेंगे कि इंडिया पाकिस्तान के भी जो इंडिया पाकिस्तान लिंग्विस्टिक शेयर करता है, कल्चरल शेयरिंग है, जियोग्राफिक शेयरिंग है, इकोनॉमिक लिंक्स हैं। इसके बाद से भी इनके जो रिलेशन हैं, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स रिलेशन है, कॉन्फ्लिक्ट से भरे हुए हैं, राइट। और ये जो अब ये क्यों है, बिकॉज ऑफ द मल्टीपल हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल इवेंट्स ऐसे हुए हैं, कई सारे मेजर वॉर हुए हैं दोनों के बीच में, इसकी वजह से इनके बीच के जो रिलेशंस हैं, जो टाइज हैं, वो क्या है, कॉन्फ्लिक्ट से भरे हुए हैं। तो आप देखेंगे कि इंडिया पाकिस्तान का जो पार्टीशन हुआ था, पार्टीशन सिंपल पार्टीशन भी नहीं हुआ था, ये एक वायलेंट पार्टीशन था, जिसमें बहुत ज़्यादा आपको देखें कम्युनल वायलेंस देखने को मिला था इन 1947 में। इसके बाद से आप देखेंगे कि इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन की जो शुरुआत ही होती है, वो ही इतनी वायलेंट तरीके से होती है। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये धीरे धीरे कर बढ़ेंगे। फिर इनका जियोग्राफिकल लिंक, जो टेरिटोरियल लिंक होने की वजह से इनके टेरिटोरियल जो डिस्प्यूट्स भी हैं, पाकिस्तान का अपना क्लेम है, इंडिया का अपना क्लेम है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका ये कश्मीर है, कश्मीर को लेकर आप देखेंगे कि पाकिस्तान का क्या है कि पाकिस्तान बोलता है कि ये पूरा कश्मीर उनका है, जबकि इंडिया इंडिया का मानना है कि जो उनका कश्मीर, ये पूरा कश्मीर इंडिया में आता है, फिर भी इतना पोर्शन ये पाकिस्तान ने ऑक्यूपाइड कर रखा है। इसे कहते हैं POK, दिस इज़ अ ऑक्यूपाइड बाई पाकिस्तान, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। और इंडिया का क्लेम है कि उन इंडिया का जो ये टेरिटरी है कश्मीर के, वो पूरी इंडिया में आएगी। तो अभी फिलहाल के लिए जो टेम्पररी इनके बीच में सेटलमेंट है, वो है LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। तो ये एक इशू रहता है। तो शुरुआत से समझने की कोशिश करते हैं कि टू नेशन थ्योरी हमने समझ ली कि कहाँ से शुरुआत हुआ था आपका इंडिया पाकिस्तान का। तो ये एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन आप लिख सकते हैं अपने एग्जाम में। कुछ व्यूज़ भी हैं प्रोमिनेंट थिंकर्स के, जो आप देख सकते हो, कि जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी का हमने देखा कि हम फ्रेंड्स को तो चूज़ कर सकते हैं, बट नेबर्स को हम चूज़ नहीं कर सकते हैं। इसी तरीके से शशि थरूर का एक पॉइंट है, जो पाकिस्तान को कहते हैं ब्रदर एनिमी, राइट। श्याम सरन है, उनका कहते हैं कि दोनों कंट्रीज़ के बीच में ह्यूज ट्रस्ट डेफिसिट है, जिसकी वजह से इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलते हैं आपको। तो बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। अब जो कॉन्फ्लिक्ट हैं, उनकी आपको डीपर अंडरस्टैंडिंग तभी होगी जब उसके पीछे का इतिहास आप समझेंगे। सो द हिस्ट्री बिहाइंड दीज कॉन्फ्लिक्ट्स, उसको समझना बहुत ज़रूरी है कि इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस की क्या हिस्ट्री रही है, जिससे कि प्रेजेंट में जो मुद्दे हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट हैं इनके बीच में, उनको आसानी से समझा जा सके। तो जाते हैं, जब जब जहाँ से पाकिस्तान आपका एज अ प्रोडक्ट बाहर आता है, तो आपको पहले ही हमने डिस्कस किया कि जो पाकिस्तान है वो टू नेशन थ्योरी से आया। टू नेशन थ्योरी के टाइम पे आप देखेंगे, जब पार्टीशन हुआ इंडिया और पाकिस्तान का, उस टाइम में क्या सिचुएशन थी, आप जो जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर, पार्टीशन के टाइम पे जो आपके प्रिंसली स्टेट्स थे, प्रिंसली स्टेट्स पे उनको ऑप्शन दिया गया, या तो वो इंडिया को ज्वाइन कर सकते हैं, या पाकिस्तान को ज्वाइन कर सकते हैं, या इंडिपेंडेंट रह सकते हैं, राइट। तो इसमें से ज़्यादातर जो प्रिंसली स्टेट्स थे, उन्होंने इंडिया को ज्वाइन किया, राइट। कुछ पाकिस्तान का नेशन बन गया। इसके बाद से कुछ जो प्रिंसली स्टेट्स थे, वो बोन ऑफ कंटेंशन बने रहे, उन्होंने इश्यू क्रिएट किया, जैसे कि जूनागढ़, हैदराबाद एंड कश्मीर। तो इसमें से कश्मीर जो सबसे बड़ा मुद्दा अभी भी है हमारे लिए, तो इसलिए हम लोग इस हिस्ट्री को समझ रहे हैं। तो लोकेशन देखते हैं गाइज इनकी। तो हैदराबाद जो ये लोकेशन है, तो कश्मीर के लिए पॉसिबल नहीं था हैदराबाद को,
कि वो पाकिस्तान में ऐड किया जा सके, क्योंकि इसकी लोकेशन ऐसी थी। या तो वो फिर इंडिपेंडेंट रहना चाहते हो, सरदार पटेल जी का जो इसमें इंडिया के इंटीग्रेशन में रोल रहा है, तो उसे इंडिया में किसी तरीके से इंडिया में इंटीग्रेट किया गया। देन जूनागढ़, पर जूनागढ़ में हिंदू पॉपुलेशन थी, तो वो भी पॉसिबल नहीं था कि वो जाकर पाकिस्तान उसे ऐड कर पाए। तो एनी हाउ जूनागढ़ को भी रेफरेंडम करके इंडिया में इंटीग्रेट किया गया। फिर आप देखेंगे बचा कश्मीर। अब पाकिस्तान के लिए एक ऑप्शन बचा कि कश्मीर है, उसको वो इजीली अपने अपने एरिया में ला सकता है। इसके लिए जब 1947 में पार्टीशन होता है, तो आप देखेंगे कि इन्होंने अपनी मिलिट्री को यहाँ भेजना शुरू किया, कुछ कुछ एक्टिविटीज़ करना शुरू किया, डिस्टरबेंस क्रिएट करना शुरू किया। तो कश्मीर के जो किंग थे वो हरी सिंह, उन्होंने क्या किया, इंडिया के साथ एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया। जो हरी सिंह थे, महाराजा ऑफ कश्मीर, उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया इंडियन यूनियन के साथ में अक्टूबर 1947 में। और इस तरीके से जो कश्मीर है वो इंडिया का पार्ट बन जाता है। इसके साथ कई सारी टर्म्स एंड कंडीशंस थी, आपको पता है आर्टिकल 370 ऐड किया गया था, जिसको अभी कुछ दिन पहले उसे हटाया गया। तो इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन के थ्रू इस तरीके से कश्मीर इंडिया का हिस्सा बना। अब यहीं से शुरू होती है मेजर प्रॉब्लम। इंडिया पाकिस्तान का जो रिलेशनशिप में सबसे मेजर इश्यू है कश्मीर का, वो जाकर यहाँ से शुरू होती है। तो 1947-48 का जो इंडो पाकिस्तान का वॉर था वो मेन कश्मीर को लेकर था। फिर फाइनली आपका इस्टेब्लिश किया गया ये इशू, जब कश्मीर को इंडिया में ऐड कर लिया गया, इंटीग्रेट कर लिया गया, तो धीरे से ये इशू कुछ हद तक रिजॉल्व हुआ। अब नेक्स्ट इंडो पाक वॉर 1965। तो जो ये 1965 वॉर हुआ, इसमें क्या हुआ, ये सेकेंड अटेम्प्ट था पाकिस्तान को कि जो कश्मीर है उसको फोर्सफुली ऑक्यूपाई किया जाए। पहला अटेम्प्ट तो वो ऑलरेडी कर चुके थे 1947 से 1948 के बीच में, जब महाराजा हरी सिंह ने इंडिया के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था। दूसरा अटेम्प्ट पाकिस्तान ने किया 1965 का, जो इंडो पाकिस्तान वॉर हुआ था, कि कश्मीर को फोर्सफुली पाकिस्तान अपने में मतलब ऑक्यूपाई करना चाहता था। बट यहाँ पर भी आप देखेंगे कि ये जो इनका जो ये इनका एक्शन था, स्टेप था, वो फेल होता है। और फिर बाद में दोनों कंट्रीज के बीच में एग्रीमेंट होता है सीज फायर को लेकर, और इसमें मीडिएशन किया था किसने, यूएसएसआर ने, और इसी को बोला जाता है ताशकंद डिक्लेरेशन 1966। तो ताशकंद डिक्लेरेशन 1966 जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में हुआ था यूएसएसआर की हेल्प से, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि दोनों जो कंट्रीज हैं उनके बीच के जो रिलेशन है उनको थोड़ा पीसफुल बनाया जाए, नॉर्मल किया जाए, दोनों के बीच में फ्रेंडली रिलेशंस को प्रमोट किया जाएगा, ये इसका ऑब्जेक्टिव था। फिर दूसरा मेजर इवेंट आता है 1971 इंडो पाक वॉर जब होता है, तो आपको पता है कि जो पाकिस्तान था वो वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान के रूप में था। ये वेस्ट पाकिस्तान था, ये ईस्ट पाकिस्तान था आपका। तो 1971 का जो वॉर हुआ था वो इस मुद्दे को लेकर हुआ था जो आपका ईस्ट पाकिस्तान था। तो यहाँ पर देखेंगे कि टू नेशन थ्योरी जो इनकी जो बंगाली नेशनलिज्म का ही रिजल्ट था कि इन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस, अपनी लिबरेशन डिमांड की बांग्लादेश के रूप में, जो फाइनली 1971 में बांग्लादेश बना। तो इसके बाद, इस वॉर के बाद शिमला एग्रीमेंट होता है 1972 में, और इसके बाद से फिर से दोनों के जो इंडिया और पाकिस्तान है इनके बीच के जो रिलेशंस थे उसको नॉर्मलाइज करने की कोशिश की गई। फिर कुछ दिन तक ठीक ठाक चलता है, फिर कारगिल वॉर होता है 1999 में। तो आपको पता है कि 1998 एक मेजर मतलब एक तरीके से लैंडमार्क ईयर था, जब दोनों ही नेशंस ने न्यूक्लियर वेपन स्टेट का स्टेटस गेन किया। दोनों, इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने न्यूक्लियर टेस्ट किए, न्यूक्लियर वेपन्स मतलब गेन किया। तो यहाँ पर देखेंगे कि इनके दोनों के बीच में जो टेंशन थी वो बढ़ जाती है। तो और वो किस रूप में देखने को मिलता है, उसका मैनिफेस्टेशन होता है कारगिल वॉर 1999 में। तो ये एक मेजर इशू था। फिर अभी रिसेंट में देखेंगे कुछ अटैक्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि मुंबई अटैक 2008,
पठानकोट अटैक, एयरफोर्स स्टेशन अटैक, फिर पुलवामा अटैक 2019 का। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस होता ही रहा है दोनों कंट्रीज के जो रिलेशंस हैं। तो ये एक हिस्टोरिकल टाइमलाइन थी इनके कॉन्फ्लिक्ट के बीच में। अब इनके इश्यूज डिस्कस करते हैं जो इन मेजर इश्यूज हैं इंडिया पाकिस्तान रिलेशन के बीच में। तो पहला है वाटर डिस्प्यूट, जो इंडस वाटर ट्रीटी। तो वाटर डिस्प्यूट का प्रॉब्लम क्या था, ये 1960 में आपके इस मैप के हेल्प से देखते हैं। तो वाटर डिस्प्यूट आप देखेंगे कि जो ये रिवर हैं, जो इंडस सिस्टम है, सो इंडस रिवर की कई सारी ट्रिब्यूटरीज हैं जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में प्रेजेंट हैं। तो इनके जो वाटर शेयरिंग को लेकर इशू था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, राइट। तो वर्ल्ड बैंक की हेल्प से 1960 में एक निगोसिएशंस हुआ इनके बीच में, जिसे इंडस वाटर ट्रीटी के नाम से जाना जाता है। और इस ट्रीटी के थ्रू जो ये इंडस वाटर रिवर एंड इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है उनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया, ईस्टर्न रिवर्स एंड वेस्टर्न रिवर्स। तो ईस्टर्न रिवर्स आपकी हो गई सतलज, रावी एंड ब्यास, जिसमें से ब्यास इन तीन रिवर्स में इंडिया को इसका मतलब वाटर जो यूज़ करने की पूरी फुली छूट हुई। इसके बाद से जो इंडस रिवर, झेलम रिवर एंड चेनाब रिवर, जो सो कॉल्ड वेस्टर्न रिवर्स हुई, इसके लिए एक टर्म यूज़ किया गया, अनरिस्ट्रिक्टेड सप्लाई। मतलब पाकिस्तान के लिए ये अनरिस्ट्रिक्टेड सप्लाई रहेगी। मतलब कुल मिलाकर इस मतलब ये था कि इंडिया इस इन जो ये थ्री रिवर्स हैं, जो वेस्टर्न रिवर्स थी इंडस रिवर की, इनको कंट्रोल नहीं करेगा। मतलब इनके जो पानी है उसके फ्लो को नहीं रोका जाएगा। हालांकि इंडिया इनका जो वाटर है इन रिवर का यूज़ कर सकता है, जैसे कि हम एग्रीकल्चर के लिए इनका वाटर, ड्रिंकिंग वाटर के लिए यूज़ किया जाता है, इवन जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए हम डैम भी कंस्ट्रक्ट करते हैं, लेकिन पानी जो इनका वाटर है इन रिवर का, वो स्टोरेज नहीं किया जाएगा। मतलब जो इनका फ्लो है उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं की जाएगी, उसको एज इट इज़ फ्लो रहने दिया जाएगा, और एज इट इज़ फ्लो के साथ इंडिया इन रिवर्स के वाटर को यूटिलाइज कर सकता है। तो ये इंडस रिवर वाटर का हो गया आपका। फिर इसके बाद आप देखेंगे कि सियाचिन ग्लेशियर का जो मुद्दा है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। तो सियाचिन ग्लेशियर आपका देखेंगे कि इसकी पोजीशन बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। क्यों स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, इंडिया के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये लाइन आपकी क्या है, LOC हो गई, राइट। अब इस ये भी एरिया जो है, ये भी कश्मीर का हिस्सा था, बट इतना एरिया पाकिस्तान ने से चाइना को दिया हुआ है, राइट। और इधर आपका ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर हो गया, इधर अक्साई चीन आपका, ये भी चाइना ने ऑक्यूपाई कर रखा है। तो इंडिया के लिए ये जो सियाचिन ग्लेशियर है स्ट्रेटेजिकली इम्पॉर्टेंट है, जिसके थ्रू आप सर्विलांस रख सकते हो इधर पाकिस्तान के मिलिट्री मूवमेंट पर, इधर चाइना पर। तो हमारे जो इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी, बॉर्डर सिक्योरिटी, इस पर्पज से सियाचिन ग्लेशियर बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आपको पता है कि सियाचिन ग्लेशियर पे जो इंडिया ने ऑक्यूपाई किया था, इंडियन आर्मी ने, वो ऑपरेशन मेघदूत के थ्रू किया था इस पर ऑक्यूपेशन। इसके बाद से जो तीसरा मुद्दा है वो सर क्रीक डिस्प्यूट को लेकर। सर क्रीक बेसिकली क्या है, एक 96 किलोमीटर वाटर चैनल है, एक तरीके का मार्शल लैंड है, कहाँ पर, रन ऑफ कच्छ में। ये एक तरीके से मैरीटाइम बाउंड्री बनाता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। इस मैप में आप देख सकते हो कि ये जो चैनल है ना, ये चैनल को कहते हैं सर क्रीक चैनल। अब ये जो वाटर बॉडी है, ये एक तरीके का मैरीटाइम बाउंड्री है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। इसमें भी इसका जो डिवीज़न है उसको लेकर डिस्प्यूट रहता है, इसकी बाउंड्री को लेकर। एक्चुअल में जो ये रेड लाइन पे है यहाँ पर, ये इसका डिवीज़न है, बट पाकिस्तान का क्लेम रहता है जो ये ग्रीन लाइन है, राइट। तो सरक्रिक डिस्प्यूट का बेसिकली इनका जो टेरिटोरियल क्लेम, सॉरी, जो मैरीटाइम बाउंड्री का क्लेम है उसको लेकर डिस्प्यूट है। पाकिस्तान और जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है उसको लेकर काफ़ी डिफरेंस है। पाकिस्तान को है कि मैक्सिमम एरिया उस जो है इस सरक्रिक जो जो मार्शल लैंड है या जो वाटर बॉडी है, इसका पार्ट उसके हिस्से में आ जाए, ये इशू रहता है इसका। तो सर क्रीक डिस्प्यूट आपको समझ में आया कि ये क्या है। तो ये क्या है, आपका मैरीटाइम बाउंड्री डिस्प्यूट है बिटवीन इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जो आपका रन ऑफ कच्छ में पड़ता है। और इसके बाद से फर्दर कश्मीर इशू,
तो कश्मीर इशू का आपको पता ही कि टेरिटोरियल क्लेम ऑफ कश्मीर को लेकर रहता है, और इस टेरिटोरियल क्लेम को ही कुल मिलाकर इसे अकुपाई करने के लिए ही पाकिस्तान के साथ कई सारे वॉर हुए 1947 में, राइट, जब पहला वॉर जब महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन इंडिया के साथ साइन किया, फिर 1965 का आप देखेंगे कि ये पाकिस्तान का सेकेंड अटेम्प्ट था कि वो कश्मीर को ऑक्यूपाई कर ले, फिर इसके बाद ताशकंद समझौता होता है, इसके बाद से 1999 भी एक तरीके का लिमिटेड अटेम्प्ट था पाकिस्तान का टू ऑक्यूपाई द एरियाज ऑफ कश्मीर, बट स्टिल नहीं हो पाया। तो कुल मिलाकर आप देखेंगे कि कश्मीर इशू बना ही रहेगा। तो अभी जो 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 टेरिटोरियल डिवीज़न है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, वो टेम्पररी है, वो लाइन ऑफ कंट्रोल, जिससे एक तरीके का अभी सीज फायर समझौता है कि हाँ लड़ाई ना हो, हम पीसफुली इस मैटर को रिजॉल्व कर पाएं, इसलिए अभी इस जो लाइन ऑफ LOC है इसके लिए दोनों एग्री हो गए हैं, जबकि दोनों का, इंडिया और पाकिस्तान दोनों का क्लेम अलग अलग है। फिर इसके बाद से सिक्योरिटी इशू को लेकर, जैसे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और सीज फायर वायलेशन आपको देखने को मिलता रहेगा, जो लाइन ऑफ कंट्रोल है इसके अराउंड सीज फायर वायलेशन करते रहते हैं, तो ये इसको लेकर इशू रहता है। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, आपको पता है कि जो ये जो बॉर्डर है जम्मू एंड कश्मीर एंड एरिया में, आप देखेंगे यहाँ पे इलीगल इन्फिल्ट्रेशन होता रहता है, मिलिटेंसी को प्रमोट किया जाता है, टेररिज्म को प्रमोट किया जाता है, इसको लेकर दोनों के बीच में इशू रहता है, राइट। नेक्स्ट है ट्रेड एंड कॉमर्स को लेकर। ट्रेड एंड कॉमर्स में बेसिकली क्या इशू है, इंडिया ने तो मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस दे दिया था पाकिस्तान को इन 1996 में, लेकिन जो पाकिस्तान की कैबिनेट थी जिसको रेसिप्रोकेट करना था, ये इंडिया को भी फेवर देना था मोस्ट फेवर्ड नेशन का, जिससे कि इनके बीच में ट्रेड एंड कॉमर्स इजीली हो जाता, मतलब ऑब्स्टिकल्स कम रहते, बैरियर्स कम रहते, ताकि स्मूथ ट्रेड एंड कॉमर्स को कंडक्ट कर पाते। तो बट पाकिस्तान की कैबिनेट ने इसे अभी तक नहीं किया था, इंडिया को मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस नहीं दिया। बट आप देखेंगे कि जब अटैक, पुलवामा अटैक हुआ था, तो इंडिया ने भी अपना तो ये मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस पाकिस्तान से विड्रॉ कर लिया था। तो ये ट्रेड एंड कॉमर्स का हो गया। देन चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये आज कॉन्टेम्पररी इशू है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। तो जो ये CPEC है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से होकर जाता है, जिससे इंडिया अपना इंडिया को प्रॉब्लम इस चीज़ से है अगर ये इस एरिया से होकर जाएगा, तो इंडिया का क्लेम है कि ये एरिया तो इंडिया के हिस्से में आता है, तो इंडिया की सवरेनिटी के अगेंस्ट में है ये, क्योंकि इंडिया से परमिशन भी नहीं ली गई, इंडिया से सजेशंस भी नहीं लिए गए इस चीज़ के लिए। और जो ये CPEC है आपका, ये यहाँ से होकर जाएगा, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, तो इंडिया इसे अपनी सवरेनिटी के अगेंस्ट मानता है, और इसलिए अब इसके अगेंस्ट में है जो CPEC है। तो ये एक इशू है दोनों के बीच में। इंडिया को ये भी ये है कि जो ये जो CPEC रहेगा, इसका भी यूज़ किया जा सकता है इंसर्जेंसी प्रमोट करने के लिए, टेररिज्म प्रमोट करने के लिए, जो इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी के लिए मतलब रिस्क है। तो ये एक इश्यू हो गया। तो बहुत सारे इश्यूज, एरियाज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हमने यहाँ पर देखा। अभी हम जो एरियाज ऑफ कोऑपरेशन है उसको भी डिस्कस करेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं जो इंडिया की पॉलिसी रही है पाकिस्तान को लेकर, उसका कैसे 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 डेवलप हुई है। तो जब जवाहरलाल नेहरू के टाइम पर आप देखेंगे, उस समय पाकिस्तान को एज अ चैलेंज नहीं कंसीडर किया गया था, राइट, लेकिन जब धीरे धीरे वॉर हुए, धीरे धीरे जब आप देखेंगे कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में रियलिज्म को लाया गया, इंदिरा गांधी जैसे आई, उन्होंने क्या किया, जो इंडियन फॉरेन पॉलिसी है उसमें रियलिस्ट अप्रोच को अडॉप्ट किया, और 1971 का जो वॉर हुआ था, इंडो पाकिस्तान वॉर, इसके बाद देखेंगे कि रियलिस्ट पॉलिसी को बहुत ही तरीके से अडॉप्ट किया गया, और जो हमारी डिप्लोमेसी थी उसमें भी इस चीज़ का रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा आपको। हालांकि उस टाइम शिमला एग्रीमेंट किया गया था, बट ये जो कश्मीर प्रॉब्लम है उसको सॉल्व नहीं किया जा सका था शिमला एग्रीमेंट के बाद भी। फिर गुजराल डॉक्ट्राइन आप देखेंगे, गुजराल डॉक्ट्राइन क्या था, एक तरीके से नॉन रेसिप्रोसिटी का कॉन्सेप्ट था, कि अपने जो नेबरहुड कंट्रीज हैं, जो नेबर्स हैं,
इंडिया उन्हें हेल्प करेगा, फॉर एग्जाम्पल उनको सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, और हम उन एक्सपेक्टेशन कुछ नहीं होगी, हम रिटर्न में कुछ नहीं मांगेंगे उनसे। तो ये नॉन रेसिप्रोसिटी का कॉन्सेप्ट लाया गया गुजरॉल डॉक्ट्राइन के थ्रू। इसके बाद से अटल बिहारी वाजपेयी जी के गवर्नमेंट के टाइम पे आप देखेंगे कि काफ़ी जो इस जो ये कॉम्प्लेक्सिटी और कंपल्शन था इसको बहुत अच्छे से समझते थे। तभी उन्होंने एक कोटेशन दी थी कि वी कैन चेंज हिस्ट्री बट नॉट जियोग्राफी, वी कैन चूज अवर फ्रेंड्स बट नॉट नेबर्स। तो इन सब चीज़ों, इन कॉम्प्लेक्सिटीज़ और कंपल्शन को ध्यान रखते हुए ये इंडियन फॉरेन पॉलिसी में अडॉप्ट किया गया कि हमें क्या है, पीसफुल रेजोल्यूशन एंड निगोसिएशंस की जो पॉलिसी है वो अडॉप्ट करना चाहिए। हमें डिप्लोमेसी के थ्रू जो रिलेशन है इंडिया पाकिस्तान के बीच, उनको उसके थ्रू नॉर्मलाइज करने की कोशिश किया जाना चाहिए। तभी आप देखेंगे कि आप देखेंगे इस्लामाबाद जॉइंट स्टेटमेंट 2004 का, फिर सीज फायर एग्रीमेंट 2003 का। साथ ही साथ आप देखेंगे कि और भी बहुत सारे इस टाइम पे स्टेप्स लिए गए थे जिससे कि इंडिया पाकिस्तान के बीच के जो रिलेशंस हैं उनको नॉर्मलाइज किया जा सके। फिर आप देखेंगे कि जब मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट आती है तो उनकी जो पॉलिसी थी पाकिस्तान को लेकर, वो इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस पर बेस्ड थी। तो इकोनॉमिक डिप्लोमेसी पर ज़्यादा फोकस किया गया, और इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि जब इंटरडिपेंडेंस एंड फंक्शनलिज्म बढ़ेगा दोनों कंट्रीज़ के बीच में, इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस होगी, तो इससे पॉलिटिकल इश्यू को रिजॉल्व करने में आसानी होगी, राइट। नेक्स्ट आप देखेंगे कि फिर नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट के टाइम पे जब आफ्टर 2014 देखेंगे तो इंडिया ने नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी अडॉप्ट की, जिसमें से जो साउथ एशियन कंट्रीज थी उनको प्रायोरिटी दी गई इंडियन फॉरेन पॉलिसी में, और काफ़ी एक्टिव इंगेजमेंट देखने को मिलेगा आपको यहाँ पर। लेकिन फिर धीरे धीरे जो सीरीज ऑफ अटैक थे जिनकी वजह से जो बायलेटरल रिलेशन है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वो हैम्पर होते हैं, चाहे वो आपका पठानकोट अटैक हो, चाहे वो नागरोटा अटैक हो, उसके बाद उरी अटैक, अमरनाथ यात्रा अटैक, और फाइनली पुलवामा अटैक 2019। तो ये जो सीरीज ऑफ टेररिस्ट अटैक हुए जिसके जिसका रिस्पॉन्स भी इंडिया ने दिया, सो इंडिया ने रिटेलिएट किया, और इसके बदले में सर्जिकल स्ट्राइक जो हुई थी इनसाइड द पीओके एंड टू द पुलवामा अटैक। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो दूसरा मोस्ट फेवर्ड नेशंस का जो स्टेटस था उसे भी विड्रॉ कर लिया गया। फिर आगे चलकर आप देखेंगे कि आर्टिकल 370 को भी एब्रोगेट किया गया, ख़त्म कर दिया गया, जैसे कि जो कश्मीर है उसके इशू को रिजॉल्व किया जा सके। तो ये सारे जो हमारे, ये एक तरीके से इवोल्यूशन ऑफ इंडियाज पॉलिसी टुवर्ड्स द पाकिस्तान रही है, जिसे आप अपने आंसर में लिख सकते हैं। तो अब कोऑपरेशन में आते हैं। हमने एरियाज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट समझ लिए, हमने इंडिया की जो पॉलिसी है बायलेटरल रिलेशन को लेकर उसको समझ लिया। तो अब समझते हैं कि इनके बीच में जो एरियाज ऑफ कोऑपरेशन है वो क्या है। जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं इंडिया और पाकिस्तान के बायलेटरल रिलेशन को लेकर वो क्या रहे हैं। कॉन्फिडेंस देख, दोनों ही, जैसे कि हमने पहले भी देखा, कई सारे स्कॉलर्स का ये रहता है कि जो इंडिया और पाकिस्तान के बायलेटरल रिलेशंस हैं, सो इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं, या इस सब का सबके पीछे सबसे बड़ा कारण है जो लैक ऑफ ट्रस्ट, जो ट्रस्ट डेफिसिट है दोनों ही कंट्रीज के बीच में, ये बायलेटरल रिलेशन को हैम्पर कर रही है। तो बायलेटरल रिलेशन में ट्रस्ट डेफिसिट को कैसे खत्म किया जा सके, इसके लिए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स करना होगा इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। मतलब जो ट्रस्ट डेफिसिट है इसे रिड्यूस करना होगा, राइट। दोनों के बीच में जो ट्रस्ट है उसे इंक्रीज किया जाना चाहिए। अब ये कैसे होगा, इसके लिए हमें मिलिट्री नॉन मिलिट्री दोनों तरीके के स्टेप्स लेने होंगे। मिलिट्री मेजर्स, तो क्या मेजर्स लिए गए, सो मिलिट्री जो मेजर्स लिए गए कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के तहत, उसमें से थे कि जो इनके बीच में कम्युनिकेशन लिंक इस्टेब्लिश किया जाएगा, जो इनकी सिक्योरिटी एजेंसी है, तो एक तरीके से एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन को इस्टेब्लिश किया गया, जैसे कि वो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन एंड फैसिलिटीज़ हैं जो दोनों की, वो उस पर अटैक नहीं करेंगे दोनों ही कंट्रीज, इस पर एक एग्रीमेंट हुआ। सो एग्रीमेंट ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ अटैक अगेंस्ट न्यूक्लियर इंस्टॉलमेंट एंड फैसिलिटीज़, राइट, इसको रेटिफाई किया। इसके बाद से एग्रीमेंट, नेक्स्ट एग्रीमेंट क्या हुआ कि
अगर कोई कंट्री मिलिट्री एक्सरसाइज करती है या ट्रूप मूवमेंट होता है तो उसको एडवांस में उसकी नोटिफिकेशन देंगे, उसकी इंफॉर्मेशन या सूचना शेयर करेंगे एक दूसरे के साथ में। कम्युनिकेशन लिंक इस्टेब्लिश करिए गए जिसमें एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन रखा गया। इसके साथ ही आप देखेंगे कि दोनों के बीच में हॉटलाइन बिटवीन डायरेक्टर्स जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन इस्टेब्लिश किया गया एंड दिस वॉज ऑल्सो फॉर द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन कि दोनों के। अब जब इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होगी तो क्या रहेगा, ट्रांसपेरेंसी रहेगी, ट्रस्ट डेवलप होगा, तो इस तरीके से हेल्प मिलेगी जो बायलेटरल रिलेशन है उनको नॉर्मलाइज करने में, इम्प्रूव करने में। तो ये तो हो गया मिलिट्री स्टेप्स। नॉन मिलिट्री स्टेप्स क्या लिए गए जिससे कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स को इस्टेब्लिश किया जा सके, दोनों कंट्रीज के बीच में ट्रस्ट को बढ़ाया जा सके। तो जैसे कि पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट को बढ़ाने में को सपोर्ट किया जाएगा, दिल्ली लाहौर बस सर्विस इनिशिएट की जाती है, समझौता एक्सप्रेस को लॉन्च किया गया, इसके बाद में वीकली बस सर्विसेज की फैसिलिटी प्रोवाइड की गई ताकि जो ये मूवमेंट रहेगा पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट रहेगा, कल्चरल लिंक रहेंगे, स्पोर्ट डिप्लोमेसी रहेगी, ये सारे नॉन मिलिट्री कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं जिससे कि दोनों कंट्रीज के बीच का जो ट्रस्ट डेफिसिट है उसे रिड्यूस किया जा सके। अभी कुछ और एरियाज ऑफ कोऑपरेशन अगर देखा जाए तो इन शिमला एग्रीमेंट, आगरा समिट एंड लाहौर समिट के अलावा, तो अभी रिसेंट में करतारपुर कॉरिडोर जिसको गवर्नमेंट इंडिया ने 2018 में इसको फॉर्मली अप्रूव किया है और इनिशिएट किया गया है, तो ये कॉरिडोर बनाया जाएगा इंडिया और पाकिस्तान की जो टेरिटरी है, फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाएगा जिससे लोग स्मूथली मूवमेंट कर सकें, इंडियन पिलग्रिम्स को विजिट कर सकें पाकिस्तान में। कल्चरल लिंक्स को इस्टेब्लिश किया जाना जैसे कि म्यूजिक इंडस्ट्री, अब जो सिंगर्स हैं, कॉमेडियंस हैं, राइट, इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, उनके बीच में मतलब जो जो एक्सचेंज होगा उससे क्या होगा कि जो पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट है वो भी इम्प्रूव होगा। इस तरीके से भी दोनों कंट्रीज के बीच में ट्रस्ट इस्टेब्लिश किया जा सकता है और जो रिलेशन्स हैं उसको नॉर्मलाइज किया जा सकता है। फिर स्पोर्टिंग टाइज को बढ़ाना जैसे कि क्रिकेट एंड हॉकी, और बहुत ही पॉपुलर टर्म यूज़ किया जाता है क्रिकेट डिप्लोमेसी। तो ये हमने देखा एरियाज ऑफ कोऑपरेशन, कुछ स्टेप्स भी लिए गए हैं कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के, बट स्टिल आप देखेंगे कि जो रिलेशन है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में अभी भी नॉर्मलाइज नहीं है और अभी आप देखोगे वर्स्ट लेवल पर है। अभी तो जो दोनों बायलेटरल रिलेशन है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वो सबसे बुरी स्थिति पर है क्योंकि कोई भी निगोसिएशंस नहीं हो रहा, सार्क की समिट्स नहीं हो रही है, कोई जो डायलॉग है वो भी इस्टेब्लिश नहीं हुए हो रहे हैं। तो यहाँ पर अब वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, हमने प्रॉब्लम्स देख लिया, तो जब भी आप आंसर्स लिखेंगे तो इन सारे जो प्रॉब्लम्स हमने देखे बायलेटरल रिलेशन में उनका सोल्यूशंस भी ज़रूर सजेस्ट करना। तो इसे कहा जाता है वे फॉरवर्ड, मतलब अगर इतनी प्रॉब्लम, इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं बायलेटरल रिलेशन में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, तो इसका इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, इसका वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है। तो वे फॉरवर्ड में आप देखेंगे कि सबसे इम्पॉर्टेंट होता है पीपल टू पीपल रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करना, चाहे कल्चरल रिलेशन बनाना, राइट, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ हो गया आपका, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी दोनों कंट्रीज़ के बीच में। आप प्रोफेशनल्स, इंटेलेक्चुअल्स, आर्टिस्ट, स्टूडेंट, इन सारे के बीच में फैकल्टी एक्सचेंज, ये सारी चीज़ें होना चाहिए जिससे कि बायलेटरल टाइज को प्रमोट किया जा सके। टूरिस्ट हो गया। नेक्स्ट है ट्रेड प्रमोट करना, तो ये आपका इकोनॉमिक डिप्लोमेसी में आता है जिसमें कि जिसमें क्या है कि जो नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं या ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हैं उनको रिमूव किया जाना जिससे कि स्मूथ ट्रेड या बैरियर फ्री ट्रेड हो सके और इन इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस इस्टेब्लिश हो सके दोनों कंट्रीज के बीच में। नेक्स्ट है कि प्रमोटिंग सॉफ्ट डिप्लोमेसी। सॉफ्ट डिप्लोमेसी में आपका कल्चरल डिप्लोमेसी, स्पोर्ट डिप्लोमेसी, क्रिकेट डिप्लोमेसी, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो सोशियो कल्चरल कोऑपरेशन जब इन्हेंस होगा तो सोसाइटी में जो ट्रस्ट है वो डेवलप होगा, तो इसका रिफ्लेक्शन आपको पॉलिटिकल लेवल पर भी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है कि कोऑपरेशन टू एड्रेस कॉमन इश्यूज़। सो दोनों कंट्रीज़ को अगर कुछ कॉन्फ्लिक्ट हैं बट एटलीस्ट उन एरियाज में कोऑपरेट करना शुरू करें जो कॉमन इश्यूज़ हैं दोनों के लिए, जैसे कि क्लाइमेट चेंज, नेचुरल डिजास्टर्स, फ्लड हो गया आपका,
तो इन सारे जो कॉमन इश्यूज हैं इनमें दोनों कंट्रीज को कोऑपरेशन करना चाहिए। तो जब इसके थ्रू कम से कम डायलॉग इस्टेब्लिश होगा, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज होगा, निगोसिएशंस होगा, इसका इससे क्या है बायलेटरल रिलेशन इम्प्रूव होंगे और इसका इम्पैक्ट पॉलिटिकल इश्यूज की जो प्रॉब्लम्स हैं इश्यूज हैं उनको भी रिजोल्व करने में फैसिलिटेट करेगा। नेक्स्ट है कि स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल। तो सबसे बड़ा जो ब्लेम लगाया जाता है इंडिया पाकिस्तान के जो बायलेटरल रिलेशन है उसे ना सही होने का, कि स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल की कमी दिखती है। सो दोनों ही तरफ से स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल शो करना होगा कि हाँ हम वाकई जो जो इश्यूज हैं, चाहे वो कश्मीर इशू हो, चाहे वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का इशू हो, चाहे वो जम्मू एंड कश्मीर में मिलिटेंसी का इशू हो, इसे रिजॉल्व करना चाहते हैं जेन्युइनली। तो पॉलिटिकल विल बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है कि पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स थ्रू डायलॉग एंड निगोसिएशंस। तो लड़ाई से तो किसी का भी फायदा नहीं होता है ना, वॉर होगा तो दोनों ही कंट्रीज के रिसोर्सेज जाएंगे, ह्यूमन ह्यूमन लॉस होगा, रिसोर्स लॉस होगा। सो व्हाट इज़ द बेटर वे कि पीसफुल रेजोल्यूशन किया जाए जो कॉन्फ्लिक्ट है, चाहे वो टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हो, चाहे वो मैरिटाइम बाउंड्री डिस्प्यूट्स हो, या एनी अदर डिस्प्यूट्स, उसको हमें डायलॉग के थ्रू एक टेबल में बैठ कर उसे रिजोल्व करना होगा। तो ये है वे फॉरवर्ड इंडो पाकिस्तान रिलेशन का। अब नेक्स्ट कंक्लूजन, आप अपने आंसर को कंक्लूड करेंगे। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया हो कि क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या एरियाज ऑफ कोऑपरेशन है, पॉलिसीज क्या रही है, तो अपने आंसर को कंक्लूजन, सो सिंपल सा कंक्लूजन लिख सकते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान का बायलेटरल रिलेशन है, इसका इम्पैक्ट जो साउथ एशिया की पॉलिटिक्स है उस पर भी पड़ता है। आप देखो ना कि इंडिया पाकिस्तान के बायलेटरल रिलेशन की वजह से ही जो जो सार्क है वो एक ठंडे बस्ते पे जाकर पड़ा हुआ है, कोई मीटिंग कोई सबमिट नहीं हो रही है। तो जो डिफरेंसेस और टेंशन है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, इसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि साउथ एशिया का जो रीजनल इंटीग्रेशन है वो पॉसिबल हो सके, एक पीसफुल एंड प्रॉस्परस साउथ एशिया को बनाया जा सके, इस्टेब्लिश किया जा सके, कोऑपरेशन एंड को एग्जिस्टेंस हो सके। इसके लिए जो इंडिया और पाकिस्तान का बायलेटरल रिलेशन है इसका नॉर्मल होना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत सारी चीज़ें की भी गई हैं इसके लिए, बट फर्दर जरूरी है कि इंगेजमेंट बढ़ाई जाए। जो पॉलिटिकल लेवल इंगेजमेंट है आप देखेंगे कि अभी प्रेजेंट में नियर ज़ीरो है, राइट। तो बेटर ये होगा कि हमें इस इंगेजमेंट को धीरे धीरे स्टार्ट किया जाए, और चाहे वो भले पीपल टू पीपल लेवल से स्टार्ट क्यों ना किया जाए, बट हमें पॉलिटिकल लेवल के इंगेजमेंट को भी बढ़ाना होगा, जिससे कि दोनों के बीच के जो बायलेटरल रिलेशन है उसको नॉर्मलाइज किया जा सके। तो ये था गाइस इंडो पाकिस्तान का रिलेशन। होप सो कि आपको समझ में आया होगा कि क्या इश्यूज हैं। और ये जो फर्स्ट स्लाइड मैंने आपको दिखाई थी ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपके आंसर राइटिंग में यही हेल्प आने वाला है कि जो एरियाज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है वो क्या है, एरियाज ऑफ कोऑपरेशन क्या है, और क्या पॉलिसी रही है उनको देखना है। तो इनको डिटेल में हमने समझा इनको हिस्ट्री को देखते हुए, आज की कैसे टू नेशन थ्योरी आती है, और टू नेशन थ्योरी के बाद से जो पाकिस्तान का ओरिजन होता है, फिर 1947 का जो वॉर हुआ वहाँ से लेकर शुरू होकर अभी प्रेजेंट तक क्या सिचुएशन रही है, पुलवामा अटैक तक, इसके बाद से 370 आर्टिकल को हटाना, तो डिटेल में हमने समझा। अब होप सो कि आपको जो इंडिया पाकिस्तान रिलेशन पर अगर क्वेश्चन आता है किसी भी डायमेंशन से पूछा जाए, आपके पास मल्टीपल पॉइंट्स होंगे लिखने के लिए, सिर्फ आप कश्मीर इशू या टेररिज्म का मुद्दा लिखकर नहीं आएंगे। और अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ लेट मी नो इन टू द कॉमेंट बॉक्स। ये PDF मैं टेलीग्राम में शेयर करूँगी, तो मेक श्योर कि आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।